दोस्तों, टू व्हीलर चलाने में जितना रोमांच और आनंद है, चार चक्का चलाने में उतना आनंद कहाँ है। इसीलिए आदमी दो चक्का चलाना काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन दो चक्का का एक परेशानी ये है, इसमें एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है, करीब 28 गुना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मोटरसाइकिल चलाना कितना रिस्की है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतना है। तो आज का वीडियो में हम लोग 5 ऐसे सीक्रेट टिप्स के बारे में बताएंगे, जिसको आपको मोटरसाइकिल चलाते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसलाम और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। नंबर 1, फोकस। दोस्तों, मोटरसाइकिल चलाते वक्त फोकस को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका फोकस नहीं ठीक रहता है तो किसी भी वक्त एक्सीडेंट हो सकता है। खासकर अगर आप घर में तनाव का माहौल है या तो आपका मन में कुछ चल रहा है, तो आप उस समय बिल्कुल मोटरसाइकिल ना चलाएं, क्योंकि उस समय अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपका दिमाग में इधर उधर का बात चलने लगता है, और जिससे आपका ध्यान भटक जाता है और इससे एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मोटरसाइकिल चलाते वक्त कई ऐसे चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि अगर आप हाई रोड पर चल रहे हैं तो हाई रोड में आपका किसी भी तरफ से गाड़ी आ सकता है। उस समय अगर आप चौकन्ने नहीं रहते हैं तो किसी भी तरह से आप एक्सीडेंट का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसे ही एक वाकया हुआ था। पहली बार मैं एक मोटरसाइकिल ख़रीदा था, उसके बाद मैं हाई रोड पे गया, लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था बाएं तरफ से भी गाड़ी आ सकता है। तो मैंने दाहिने तरफ देखने लगा और बाएं तरफ नहीं देखा। उसी वक्त मैंने देखा, शायद एक सेकंड भी कम का समय होगा, जिससे बाएं तरफ से एक गाड़ी तुरंत गुजर गया। तो मुझे ऐसा लगा अगर मैं थोड़ा सा इधर होता तो एक्सीडेंट का शिकार हो सकता था, क्योंकि उस समय मुझे एक सीख मिली, जो किसी भी तरफ से गाड़ी हाई रोड में आ सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट में सिर्फ आप किसी को जाके ठोकें ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी आके आपको ठोक सकता है। दूसरा जो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है जंक्शन। जंक्शन यानी एक रास्ता से ज़्यादा रास्ता अगर आप एक जगह मिलता है तो उसे जंक्शन कहा जाता है। कभी कभी ऐसे रास्ते पर ट्रैफिक अगर नहीं होता है तो उस जगह पर एक्सीडेंट होने का खतरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप सावधानी बरतते हैं तो उसमें एक्सीडेंट को टाला जा सकता है। नंबर 2, डिस्टेंस और स्पीड। दोस्तों, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, आप देखेंगे आपके आसपास भी गाड़ी चलती है, तो एक गाड़ी से दूसरा गाड़ी का जो डिस्टेंस है वो 4 सेकंड का दूरी मेंटेन करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकंड का भी दूरी नहीं मेंटेन करते, क्योंकि एक गाड़ी अगर रुक जाती है सामने तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उस गाड़ी को टकराने में। तो इसी तरह अगर आप हाई रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो खतरा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हाई रोड में बहुत तेज़ी से गाड़ी चलती है, जो कई सेकंड का फ्रैक्शन में एक दूसरे से टकरा सकते हैं। इसीलिए आप ज़रूर 4 सेकंड का दूरी को मेंटेन करें। और स्पीड बेहद अहम चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने से खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का एक लिमिट होता है, अगर आप तय लिमिट से बाहर जाते हैं तो खतरा भी बढ़ता है। इसी तरह आप बाइक भी जब चलाते हैं तो एक तय लिमिट में चलाइए। तो रास्ता के ऊपर डिपेंड करता है आपका लिमिट कितना होना चाहिए। अगर आप रास्ता अच्छी है तो 40 से 50 चलाइए, उससे ज़्यादा मत चलाइए। ज़्यादा समस्या होती है टीनेज में, क्योंकि कम उम्र के बच्चे जब गाड़ी चलाते हैं वो जोश में आकर होश को खो बैठते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, और एक्सीडेंट जो डेथ रेट की संख्या है जो टीनेज में ज़्यादा है। टीनेजर लोग जब गाड़ी चलाते वक्त ये नहीं सोचते हैं वो कितना स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं, उसको आनंद आ रही है ये वो महसूस करते हैं, और उसी तरह वो स्पीड को बढ़ाने भी लगते हैं। इससे खुद तो मरते हैं और दूसरों को भी मारते हैं। नंबर 3, रोड कंडीशन। दोस्तों, दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो टू व्हीलर में हो या फोर व्हीलर में, इसमें रोड का भी एक अहम रोल होता है। खासकर इंडिया में देखेंगे कई ऐसे नेशनल हाईवे तक है जिसमें बड़ा बड़ा आपको खड्डा मिलेगी, उस खड्डा में अगर आप गाड़ी डालते हैं तो आपका एक्सीडेंट होना तो तय है। इसीलिए अगर आपका जान पहचान का रास्ता हो, अगर रास्ता आपको पहले से ही पता हो, उस रास्ता का कंडीशन के बारे में आप जानते हो, तो उस रास्ते में आपको गाड़ी चलाने बेहद आसानी होती है। अगर रास्ता आपका पहचान का ना हो और रोड का कंडीशन के बारे में आपको पता ना हो, तो आपको सावधानी से और धीरे से गाड़ी चलाना है, क्योंकि खड्डे के साथ साथ रास्ते में रेत, ऑयल या दूसरा कोई ऐसा एक्सपोजर रह सकती है जिससे आपका गाड़ी जो है वो स्लिप कर सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप चौकन्ना होकर गाड़ी चलाएं और एक्सीडेंट से बचें। दोस्तों, रोड कंडीशन का दूसरा जो अहम चीज़ है वो है टर्निंग पॉइंट, यानी रोड जब कार्व होता है उस समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है। ज़्यादातर एक्सीडेंट टर्निंग में ही होता है, और टर्निंग पॉइंट की दूसरी तरफ की जो एक्सपोजर है वो आपको दिखाई नहीं देती है, इसीलिए गाड़ी स्लो और सावधानी से चलाना है। नंबर 4, गाड़ी चलाते समय चौथा जो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए वो है ब्रेकिंग सिस्टम। दोस्तों, कभी कभी हम लोग ब्रेक मारने में बहुत गलती कर बैठते हैं,
क्योंकि गाड़ी जब बहुत ज़्यादा स्पीड में चलता है तो आपको ब्रेक भी धीरे धीरे लगाना है, क्योंकि उस समय अगर आप अचानक ब्रेक लगा देते हैं तो आपका गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक्सीडेंट हो सकता है और इसमें आपकी जान भी जा सकती है। और रोड में ख़ास तौर पर जो होता है वो है आपके सामने कुत्ता, बिल्ली या आदमी अचानक आ सकता है, तो उस समय आपको ब्रेक लगाते समय भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अचानक ब्रेक लगाने से शायद आपका गाड़ी ना टकराए लेकिन आप तो ज़रूर किसी ना किसी से टकराएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं ब्रेक लगाने से पहले क्लच को दबा देते हैं। दोस्तों, क्लच दबाने के बाद इंजन का जो स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये गलती नहीं करना है। पहले ब्रेक लगाना है उसके बाद क्लच दबाना है, और क्लच दबाने के बाद ब्रेक लगाने से आपका जो ब्रेक का रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है और जिससे भी आपको समस्या हो सकती है। नंबर 5 है वेदर। दोस्तों, वेदर अगर सुहाना हो, अच्छा हो, तो गाड़ी चलाने में जितना आनंद होता है उसी तरह वेदर अगर ख़राब होता है वो जानलेवा भी होती है। खासकर अगर विंटर सीजन में जो फॉग होता है उसमें गाड़ी चलाना बेहद रिस्की होता है। शायद आपको दिखाई देती होगी और आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं लेकिन पीछे जो ट्रक आ रही है शायद उसको देखने में दिक्कत हो रही है, तो वो भी आपको ठोक सकता है। तो एक्सीडेंट दोनों तरफ से होता है, चाहे आप ठोके या दूसरा कोई आपको ठोके। तो इस ख़राब वेदर के वजह से भी काफ़ी सारा एक्सीडेंट होता है। और दूसरा है बारिश, क्योंकि बारिश में रोड स्किड करती है तो उस समय गाड़ी चलाते समय आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि बारिश में रास्ता में अगर गड्ढा रहता है वो भी दिखाई नहीं देता है और पानी की वजह से रास्ता स्किड करता है। तो इस दो चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत हद तक टल सकती है। दोस्तों, ये जो 5 चीज़ है गाड़ी चलाते समय आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि जान बहुत कीमती होती है। एक गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, इससे कई घर उजड़ जाता है। इसीलिए सावधानी बरतें और लिमिट में गाड़ी चलाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।